सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं नया पारा से। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं बांसागर देलोन, शहडोल के आगे पड़ता है। और ये देलोन का जो है मेरा ये तीसरा वीडियो है और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी 5 बजे निकले हैं। हम लोग को यहाँ से जाने में कम से कम 10 घंटे लगेंगे। तो गाइस जी, अभी हम लोग अभनपुर पहुंच गए हैं। थोड़ी थोड़ी अब चहल पहल हो रही है सब जगह। तो गाइस, अभी 6 बजने वाले हैं और ये हम लोग रायपुर पहुंच गए हैं और अभी सुबह का टाइम है तो हम लोग उधर बाहर से होते हुए नहीं गए हैं, इधर रायपुर सिटी से होते हुए जाएंगे। तो ये अभी हम लोग गोल बाजार पहुंचे हैं और अभी सुबह का टाइम है तो इधर खाली है, नहीं इधर एकदम भीड़ हो जाती है। ये जो क्रॉसिंग निकला है ये महासमुंद जाता है रेलवे लाइन। अभी सुबह का टाइम है तो खाली है, रोड एकदम चौड़ी दिख रही है और यही दोपहर होते होते बिल्कुल जगह नहीं दिखती है इधर। तो गाइस, जब हम लोग बाहर से आते हैं तो इधर ही से आते हैं अब हम लोग इधर से राइट मुड़ जाएंगे और इधर से लेफ्ट जाएंगे तो भिलाई पड़ता है। तो गाइस, ये अब हम लोग बिलासपुर हाईवे रोड पे आ गए हैं। 1.61 किलोमीटर। तो गाइस, ये आज की जर्नी का भी ये पहला टोल गेट। तो गाइस जी, अब हम लोग सिमगा पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से बेमेतरा है 24 किलोमीटर और कवर्धा 72 किलोमीटर है। टोल रोड इसका, इधर भी टोल। ये शिवनाथ नदी है तो अभी हम लोग ये शिवनाथ नदी क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस, हम लोग बेमेतरा पहुंच गए। तो गाइस, ये हम लोग बेमेतरा सिटी पहुंच गए हैं। तो गाइस, अब ये हम लोग कवर्धा पहुंच गए हैं। तो गाइस, इधर से लेफ्ट साइड जाएंगे तो धौरमदेव मंदिर पड़ता है और अब हम लोग इधर सीधा पंडरिया के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस, ये आप जो देख रहे हैं शक्कर कारखाना है। तो गाइस, अब हम लोग यहाँ से राइट साइड मुड़ेंगे पंडरिया के लिए और यदि इधर से सीधा जाएंगे तो चिल्फी मंडला होते हुए जबलपुर जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग पंडरिया पहुँच चुके हैं और अभी ये पेट्रोल पंप के पास रुके हुए हैं और हम लोगों को इधर बेमेतरा है और ये कवर्धा से इधर पंडरिया आने में, कवर्धा वाले रूट से इधर पंडरिया आने पे 20 से 25 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा पड़ता है। तो गाइस, इधर पंडरिया से आगे घाट शुरू हो गया है,
इधर पेड़ बिल्कुल चारों तरफ देखिए बिल्कुल सूख गए हैं, पत्ते पूरे झड़ गए हैं। तो गाइस जी अब हम लोग खूब दूर पहुंच चुके हैं, यहाँ से सैडोल अभी 134 किलोमीटर और है। तो गाइस अब यहाँ से थाटी चालू हो गई है। यहाँ पे छोटा सा झरना बहता है, अभी पानी पूरा सूख गया है। ये ट्रक खराब हो गया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग एकदम ऊपर आ चुके हैं पहाड़ में। अभी 115 किलोमीटर है सैडोल यहाँ से। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। जब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और यदि सीधा जाएंगे तो अमरकंटक पड़ता है। तो ये अभी हम लोग चंदन घाट पहुंचे हैं। तो गाइस ये अब हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं और ये जो नदी जा रही है ये नर्मदा नदी है। थोड़ा थोड़ा पानी है। तो ये अभी हम लोग सिंहपुर क्रॉस कर रहे हैं। कहाँ लटका है हम। ये सैडोल पहुंच गए हैं। तो ये अब हम लोग सैडोल के बस स्टैंड पहुंच गए हैं और अब इधर से लेफ्ट मुड़ जाएंगे और यदि इधर से राइट जाएंगे तो बुढ़ार तरफ जाएंगे। अब यहाँ से बाणसागर 120 किलोमीटर और है, अभी 2 घंटे और लग जाएंगे यहाँ से। अब इधर पूरा सिर्फ आम ही आम का पेड़ दिखेगा रोड किनारे, आम एक भी नहीं लगे हैं।
पारू पहुंच गए हैं। अब हम लोग कन्नौजी पहुंच गए हैं। अभी हम लोग जयसिंह नगर पहुंच चुके हैं। ये जयसिंह नगर का बस स्टैंड। तो गाइस अभी जयसिंह नगर क्रॉस की है और 3 बजे से जगह नहीं थी, नींद आ रही है, बार बार 8 बंद हो जा रही है। और एक चीज और गाइस कि आपने मेरी पचमढ़ी की वीडियो देखी होगी, मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो डाली है और उसके आगे की वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। उसका कारण ये है कि वीडियो तो बनाई थी मैंने, पर उसके आगे की जो वीडियो है सब डिलीट हो चुकी है। तो इसी कारण से पचमढ़ी के आगे की जो वीडियो है नहीं डल पाई। तो ये अब हम लोग बहारी पहुंच गए हैं और ये ट्रेन जा रही है, मतलब अभी रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए हैं। ये अब हम लोग बहारी बस स्टैंड पहुंच गए हैं। बस स्टैंड के पीछे कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ी हूँ। तो गाइस ये अब हम देलोन पहुँच चुके हैं और ये देलोन का बस स्टैंड है।